हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो हम एसी सर्किट्स की बात कर रहे थे। हमने अभी तक जो है देखा एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, फिर हमने देखा एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर, फिर हमने सीरीज आरएल सर्किट का केस लिया, फिर हमने सीरीज आरसी सर्किट का केस लिया। आज का अपना टॉपिक है सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। एज द नेम इम्प्लाइज, इट इज वेरी क्लियर दैट इन सीरीज आरएलसी सर्किट देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज अलोंग द सिंगल फेज एसी सप्लाई। कैसे डायग्राम बनेगा इसका देखिए। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, ऑल थ्री आर इन सीरीज और इसके अक्रॉस हमने क्या कर रखा है, वी हैव अप्लाइड द सिंगल फेज एसी सप्लाई, दैट इज वीएस इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, इट इज आर एल एंड सी। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज वीआर, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज वीएल एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वीसी। दैट मींस इफ वी आर सेइंग दैट इन सीरीज आरएलसी सर्किट रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ऑल थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज across a single phase AC sinusoidal voltage, then what we are saying that the voltage across resistance is VR, the voltage across inductor is given as VL and the voltage across capacitor is VC. And it is very clear the voltage across resistance is given as VR is equal to IRMS into R. Resistor के across voltage क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, IRMS into R. इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड एज वी एल एंड दैट कैन बी गिवन एज आई आर एम एस इंटू एक्स एल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इंटू ओमेगा एल, बिकॉज एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। वी सी जो है उसको हम क्या लिखेंगे, आई आर एम एस इंटू एक्स सी एंड दैट कैन बी फर्दर रिप्रेजेंट एज आई आर एम एस इंटू एक्स सी स्टैंड फॉर वन अपॉन ओमेगा सी। सो दीज आर द वोल्टेजेस और वी कैन से द different voltages across the elements R, L and C represented as IRMS into R, IRMS into omega L, IRMS into omega C. So these are the voltage across resistor, voltage across inductor and the voltage across capacitor. So what we are drawing these voltage drops in the phasor diagram and then we are going to combine it. हम क्या कर रहे हैं, current को reference ले रहे हैं। अगर मैंने आई आर एम एस करंट को रेफरेंस लिया ठीक, तो वोल्टेज जो होगा वी आर हमें पता है, बिकॉज रजिस्टर के केस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, तो वी आर जो है वो आई आर एम एस के सेम फेज में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, दैट इज वी आर। सिमिलरली अगर मैंने जो है आई आर एम एस यहां पर लिखा और मुझे ये पता है कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, देखिए कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री से लीड करती है, या मैं कहूं वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा वीसी, और इसको मैं बोलूंगा दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वोल्टेज बाद में आ रहा है, यानी वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रहा है या करंट 90 डिग्री से लीड कर रही है। तो इसका मतलब दिस इज आई आर एम एस रेफरेंस लिया, इसके रेस्पेक्ट में ये वीसी हो गया। सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो मैं इंडक्टर को कैसे बनाऊंगा, दिस इज करंट, रेफरेंस करंट आई आर एम एस, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यहां पर 90 डिग्री जो है वो आगे होगा, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। कैसे, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बाद में आ रही है, यानी करंट लैग कर रही है, और यही हमने देखा है कि क्या होता है, प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री से लैग करती है। तो ये तो क्या हो गया, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस आर, ये हमारा क्या हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी, और ये क्या हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल। तो मैं टोटल वोल्टेज को क्या लिखूंगा, टोटल वोल्टेज कैन बी रिटर्न एज वी इज इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी। टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी। वी सी क्यों, क्या आगे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट जो है, मैंने क्या बताया आपको, वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, तो इसमें जो 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 वोल्टेज आता है इंडक्टर के अक्रॉस हम प्लस में लेते हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस हम माइनस में लेते हैं, तो इसीलिए हमने टोटल वोल्टेज लिखा V इज इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी।
तो इन द केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट क्या हुआ, देखिए वोल्टेज इज गिवन एज वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी थ्री वी सी। तो इससे तीन केसेस निकल के आते हैं, तीन केसेस जो है, फर्स्ट केस निकल के आएगा इसमें व्हेन व्हेन वी एल इज ग्रेटर देन वी सी इंप्लाइज दैट एक्सएल मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन एक्ससी। पहला केस ये निकल के आ जाएगा, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी मीन्स जबकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी में सेकेंड केस निकल के आ जाएगा, वी सी इज ग्रेटर देन वी एल इंप्लाइज दैट एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। सेकेंड केस ये निकल के आ जाएगा, और थर्ड केस निकल के आएगा व्हेन वी सी इज इक्वल टू वी एल मैग्नीट्यूड इंप्लाइज दैट एक्स सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स एल। तो हम इसमें तीनों मेथड्स को, तीनों केसेस को कंसीडर करेंगे। पहले हम फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं, वो कौन सा केस है, व्हेन वीएल इज ग्रेटर देन वीसी। इसका क्या मतलब है, एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्ससी। मींस हमने पहले कौन सा केस कंसीडर किया है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है तो हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को वोल्टेज जो है हमारे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अगर मैं इसको अब एक डायग्राम में बना के ये पहला वाला केस कंसीडर करता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मोर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो देखिए क्या डायग्राम बन के आएगा। दिस इज आई आर एम एस और ये हो गया हमारा वी आर। वी एल जो है वो 90 डिग्री से ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको ऊपर की डायरेक्शन में बनाया और इसको ज्यादा बनाया, मैग्नीट्यूड में ज्यादा बनाया वी एल को एज कंपेयर टू वी सी जो कि इससे 90 डिग्री पे बनेगा, यानी दिस विल बी वी सी। तो मैंने क्या किया, ये रेफरेंस करंट थी आई आर एम एस, यहां पर मैंने बोला रेफरेंस करंट के डायरेक्शन में होता है वी आर, तो वी आर को उसी डायरेक्शन में बना दिया। मैंने क्या केस कंसिडर किया है कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, इसीलिए जो वी सी जो है जो 90 डिग्री ऐसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड मैंने कम बनाया है और इसका मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा बनाया है। तो अगर ऐसा है तो नेट वोल्टेज क्या निकल के आएगा, वी एल माइनस वी सी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको यहां पे बोलूंगा वी आर, इस वोल्टेज को मैं बोल देता हूं वी एल माइनस वी सी, ये पूरा हमारा वोल्टेज वी एल था, ये वी एल माइनस वी सी हो गया और ये वी हो गया, वी सी हो गया। तो नेट वोल्टेज जो हमारा निकल के आएगा, दिस वोल्टेज विल बी वी, और ये वाला जो एंगल है ये क्या बनेगा, फाई एंगल बनेगा। क्या किया मैंने, दिस इज द रेफरेंस वोल्टेज वी आर, ये वी सी जो ये जो था वैसा का वैसा बना दिया, वी एल जो ये था ये ऐसा कैसा बना दिया, और नेट वोल्टेज क्या करा मैंने, क्योंकि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है तो वी एल माइनस वी सी यहां पे जो है इसको मैंने यहां पर ये क्लियर बना दिया कि दिस विल वोल्टेज विल बी वी एल माइनस वी सी। तो अगर ये ऐसा होगा तो देखिए इस केस में जो है क्या बन के आएगा, वोल्टेज जो अपना जो केस है आपका जो नेट रिएक्टेंस है एक्स, वो क्या बन के आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। नेट रिएक्टेंस क्या बन के आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी इस केस में हमारा जो नेट रिएक्टेंस है वो क्या बनेगा, ओमेगा एल अपॉन माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। दिस विल बी द नेट रिएक्टेंस ऑफ वी कैन से द सीरीज आरएलसी सर्किट, दैट इज एक्स टोटल रिएक्टेंस। If we are saying about total impedance, तो क्या बनेगा, Z is equal to R plus J XL minus XC, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, Z is equal to R plus J omega L minus 1 upon omega C. This will be the total impedance of series RLC circuit when VL is greater than VC or we can say XL is greater than XC. तो इसको हम कैसे represent करते हैं, That magnitude is Z and angle is plus phi because net reactance is positive, क्योंकि reactance positive क्यों होगा, क्योंकि inductive reactance ज्यादा है, यानी plus XL ज्यादा है as compared to minus XC से, तो यहाँ पे जो angle बनेगा वो plus का phi बन जाएगा। तो इसको हम represent करते हैं Z is equal to magnitude of Z angle phi। तो देखिए इम्पीडेंस तो ये टोटल हो गया Z इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, और इसी को मैंने आपको बताया कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेड एंगल फाई। अगर मैं इस वोल्टेज जो हमने बनाया यहाँ पे ड्रॉ किया, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, वोल्टेज ट्राइंगल भी बोलता हूँ, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, वोल्टेज ट्राइंगल भी बोलता हूँ। तो अगर वोल्टेज ट्राइंगल से मैं बात करूँ, ये जो वोल्टेज V है इसको मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
दिस इज वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. कैसे लिखा मैंने इसको, दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ी है. यानी मैं इसको क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई आर एम एस इंटू एक्स एल माइनस आई आर एम एस इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर. दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया हमारा आर एम एस वोल्टेज, बिकॉज दिस इज आर एम एस वोल्टेज, है ना. इसको मैं वी बोलूं या वी आर एम एस बोलूं एक ही बात है. तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, यहां से बाहर ले लिया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर. तो इससे आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर एम एस अपॉन जेड, और वेयर जेड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. तो ये क्या चीज हो गई, इंपीडेंस हो गया इसका, यानी इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड तो हो गया ये, ठीक. और इसी वोल्टेज ट्राइंगल से, इसी वोल्टेज ट्राइंगल से अगर मैं फाई की वैल्यू बोलूं, पावर फैक्टर जो निकालूंगा, तो देखिए पावर फैक्टर मैं यहां पे निकाल लेता हूं, यहां लिख लेता हूं, टेन फाई क्या आ जाएगा, टेन फाई विल बी इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर. टेन फाई क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ठीक. और वी एल माइनस वी सी क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू एक्स एल माइनस आई आर एम एस इंटू एक्स सी अपॉन आई आर एम एस इंटू आर. तो दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर. तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, या इसी को मैं क्या लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर, वेयर वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी, मींस वेयर टोटल रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो ये तो हो गया इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर. और अगर मैं फाई की बात करूं कि फाई एंगल क्या था, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई आर, जहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर. सो दिस इज इंपीडेंस एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, दैट पर्टिकुलर एंगल फाई. तो द वोल्टेज वॉज गिवन इन द केस ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट वॉज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. तो अगर मैं करंट की बात करूं तो आई विल बी क्या हो जाएगा, आई विल बी वी बाय जेड, दैट इज वी एम एंगल जीरो. और जेड को हम कैसे लिखेंगे, जेड को हमने कैसे लिखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंगल फाई, वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वॉज अंडर रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, एंड फाई एंगल वॉज गिवन एज फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर. सो इट कैन बी रिटर्न एज मैग्नीट्यूड जेड एंगल माइनस फाई. तो इट कैन बी रिटर्न एज वी एम अपॉन जेड एंगल माइनस फाई, और वी कैन से दिस इज कैन बी रिटर्न एज आई एम एंगल माइनस फाई. तो अगर वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या आ जाएगा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई. अगेन मैं ये केस क्या बोल रहा हूं, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई कब है, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. यानी करंट क्या करती है, प्योर कैपेसिटर, प्योर अगर इंडक्टर होता, VL अगर प्योर होता, तो करंट 90 डिग्री से लैग करती. लेकिन प्योर इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर उसको अपोज कर रहा है, तो नेट जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वाला ज्यादा है. इंडक्टेंस का इफेक्ट होने की वजह से करंट 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ लैग करती हुई होगी. तो ये हमने देख लिया कि अगर वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी था, तो करंट क्या आ रही है, sin ओमेगा टी माइनस फाई, और फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ लैग करते हुए. तो अगर मैं इससे इंस्टेंटेनियस पावर निकालूंगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या निकल के आएगी, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर P जो होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू स्मॉल V इनटू स्मॉल I. दैट मींस Vm sin ओमेगा T इनटू Im sin ओमेगा T माइनस फाई. और इसको हम जो है सीरीज RL सर्किट के केस में भी सॉल्व कर चुके हैं. इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है Vrms Irms और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी माइनस फाई. ये डेरिवेशन जो है हम सीरीज आरएल सर्किट के केस में भी कर चुके थे. वापस से रिकॉल करा देता हूं, किया कैसे था, वीएम आईएम जो ये था, टू से मल्टीप्लाई करते थे, टू से डिवाइड करते थे. तो वीएम आईएम बाय टू तो बन जाता था वीआरएमएस आईआरएमएस, बिकॉज वीएम बाय रूट टू और आईएम बाय रूट टू, तो बन जाएगा वीआरएमएस और आईआरएमएस. और टू साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाई, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते थे,
कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो उससे हमारे पास आ जाता था इंस्टेंटेनियस पावर वॉज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी माइनस फाइव। अब एवरेज पावर की अगर बात करते थे तो एवरेज पावर क्या निकल के आती थी, एवरेज पावर को हम पी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते थे, वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई पी ऑफ डी ओमेगा टी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एवरेज पावर क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज पावर आ जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो आगे हम बात करते हैं टोटल पावर या एपरेंट पावर एस की। एस क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये एस क्या होती है, टोटल पावर या एपरेंट पावर, और दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आई आर एम एस, तो आई आर एम एस लिख दिया, वी आर एम एस को मैं जो है वी आर एम एस यहां से ले रहा हूं, वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी। वी आर एम एस को हमने बोला था वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी, तो वी आर का मतलब हो जाएगा आई आर एम एस इंटू आर प्लस जे VL, VL का मतलब हो जाएगा IRMS into XL minus of VC, VC का मतलब हो जाएगा IRMS into XC, IRMS into XC। तो total power S can be written as IRMS square, यहां से IRMS और IRMS को कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा तो IRMS और ये हो जाएगा R plus J XL minus XC, means total power is IRMS square R plus J XL minus XC। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस जे आई आर एम एस स्क्वायर एक्सएल माइनस जे आई आर एम एस स्क्वायर एक्ससी। ये मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा, क्या कारण है इसका, कि ये क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू दिस इज पी प्लस जे दिस इज क्यू एल माइनस दिस इज क्यू सी। सो टोटल पावर एस कैन बी रिटन एज एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू एल माइनस क्यू सी, वेयर क्यू एल क्या हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर एक्सएल, क्यू सी क्या हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर एक्ससी। तो दिस विल बी टोटल पावर, दिस पी विल बी एक्टिव पावर, क्यू एल इज रिएक्टिव पावर ड्यू टू इंडक्टेंस एंड क्यू सी इज रिएक्टिव पावर ड्यू टू कैपेसिटेंस। तो हम बात कर रहे थे टोटल पावर जो है वो एस होती है, तो यहां से जो एस है टोटल पावर एस, उसको मैं बोलूंगा वी आई, या इसको मैं बोलूंगा आई स्क्वायर इंटू जेड। सिमिलरली एक्टिव पावर जो पी है उसको मैं बोलूंगा वी आई कॉस फाई, या इसी को मैं क्या बोलूंगा टोटल पावर जो है हमारी, दैट इज एक्टिव पावर पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, या इसी को मैं बोलूंगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। फिर क्यू को मैं क्या बोलूंगा वी आई साइन फाई, या इसको मैं बोलूंगा नेट आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्स, दैट एक्स कैन बी एक्सएल माइनस एक्ससी। तो ये अपने पावर की बात हो गई। तो इसी से हम तीनों ट्राइंगल की बात करते हैं, तीनों ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, वोल्टेज ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल और पावर ट्राइंगल। तो वोल्टेज ट्राइंगल तो हम बना चुके हैं, वोल्टेज ट्राइंगल तो यही है कि हमने रेफरेंस वोल्टेज वी आर लिया, देन वी एल, देन वी सी और आर एम एस हमारा वोल्टेज आ गया अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। इम्पीडेंस ट्राइंगल की बात करें तो इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या होगा, देखिए मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, तो ये सीरीज आर एल सी सर्किट था, इसको मैं मिटा के यहां पे इम्पीडेंस ट्राइंगल की बात करता हूं। तो इंपीडेंस हमारा क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस लूंगा रेजिस्टेंस को, ये आर हो गया हमारा, ये एक्सएल हो गया और ये एक्ससी हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वी हैव कंसीडरिंग फर्स्ट केस व्हेन वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, ठीक। तो हमारा जो नेट रिएक्टेंस निकल के आएगा दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी, तो ये हमारा टोटल इंपीडेंस हो जाएगा जेड और ये एंगल हो जाएगा हमारा फाई, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, जो कि यहां पे सॉल्व भी किया हुआ है कि जेड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अगेन एज पर हाइपोथेनियस थ्योरम। देन ये हमारा हो गया, मैंने क्या बताया आपको, इंपीडेंस डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट जो है पावर डायग्राम और पावर ट्राइंगल। तो पावर ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू एल माइनस क्यू सी। तो देखिए इसमें जो है पी जो है हमारी एक्टिव पावर वो तो आ गई ऐसे, ये आ गया हमारा क्यू एल, ये आ गया हमारा क्यू सी और ये हो जाएगा हमारा नेट क्यू एल माइनस क्यू सी, क्यू एल माइनस क्यू सी। तो टोटल पावर जो है हमारी, ठीक, ये पी यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल पावर जो है पी ये क्या हो जाएगी, एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू एल माइनस क्यू सी होल स्क्वायर एंड दिस एंगल विल बी फाइव।
दिस एंगल विल बी फाई. तो अगर मैं इससे कॉस फाई की वैल्यू देता हूं तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, आर बाय जेड, तो इंपिडेंस ट्राइंगल से आएगी. पी बाई एस जो है वो पावर ट्राइंगल से आएगी. वी आर अपॉन वी आर एम एस जो है डायग्राम से आएगी. तो जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं. तो देखिए हमने क्या तीन केस कंसीडर किए थे, v इज इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी. और उसमें मैंने आपको तीनों में बताया था कि फर्स्ट केस हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि वी एल यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वॉज ग्रेटर देन वी सी. अब मैं आपको इसी में ही सेकेंड केस, जब वी सी इज ग्रेटर देन वी एल हो जाएगा, तो मैं इसी डायग्राम्स में आपको इन्हीं तरह की चीजों में बताता चला जाता हूं. अब क्या करूंगा, देखिए यहां पर पहले वी एल इज ग्रेटर देन वी सी था. अब क्या कह रहा हूं, जब मैं केस सेकंड कंसीडर कर रहा हूं, व्हेन आई एम कंसीडरिंग द सेकंड केस, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं. अब मैं क्या करूंगा, वीसी जो है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू वीएल, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्ससी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सएल. क्लियर, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा. तो उसके बाद मैंने ये डायग्राम बनाया था. अब सेकंड केस में जब मैंने क्या बोला कि मैं कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा कंसीडर करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इंडक्टर की जगह कैपेसिटर को ज्यादा कंसीडर करूंगा. तो क्या होगा, देखिए इस डायग्राम में क्या फर्क आ जाएगा, ये वीआर तो सेम ही रहेगा, वीसी जो पहले छोटा बनाया था अब वीसी की लाइन जो है वो बड़ी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा वीसी और ये वीएल जो है वो छोटा हो जाएगा, दिस विल बी वीएल. तो वीसी ज्यादा हो गया और वीएल जो है वो हमारा कम हो गया. तो अब नेट वोल्टेज क्या बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वीसी माइनस वीएल. तो जो ये डायग्राम है, अब क्या फर्क पड़ जाएगा इस डायग्राम में, देखिए अगर मैं इसको यहीं से मिटा रहा हूं इसको, तो ये क्या बनेगा, ये वीआर तो ऐसे कैसे बनेगा ठीक, और ये जो वीसी है इसका मैग्नीट्यूड अब ज्यादा हो गया, तो ये वीसी यहां पर वीसी ज्यादा हो गया और वीएल का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अगर वीएल का मैग्नीट्यूड कम है तो दिस विल बी वीएल. और नेट वोल्टेज हमारा क्या बनेगा, नेट वोल्टेज आपका बन जाएगा, दिस विल बी वीसी माइनस वीएल, यानी नेट वीसी दिस माइनस वीएल. तो ये हमारा वीसी माइनस वीएल बन गया. तो हमारा जो नेट वोल्टेज जो है, रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो क्या बनेगा, वी आर एम एस, एंड दैट एंगल इज फाई ठीक. तो अब हमारा आर एम एस वोल्टेज जो है वो ये बन जाएगा. तो ये हमारा टोटल आरएमएस वोल्टेज हो गया. और इस केस को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज वोल्टेज ट्राइंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ट्राइंगल बोलते हैं. अब देखिए नेट रिएक्टेंस की बात की थी, तो नेट रिएक्टेंस में अब क्या होगा, कैपेसिटेंस वाला इफेक्ट ज्यादा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एक्ससी माइनस एक्सएल बन जाएगा. अगर ये एक्ससी माइनस एक्सएल बन जाएगा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, अब वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल. तो ये आपका नेट रिएक्टेंस बन जाएगा, दैट इज एक्ससी माइनस एक्सएल, और इट कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल. तो टोटल इंपीडेंस अब अपना क्या बन जाएगा, आर माइनस बन जाएगा आप, क्योंकि ये माइनस जे एक्ससी माइनस एक्सएल, एक्ससी माइनस एक्सएल. टोटल रिएक्टेंस हमारा हो गया, सॉरी टोटल इंपीडेंस हो गया आर माइनस जे एक्ससी माइनस एक्सएल. तो टोटल इंपीडेंस हमारा बन जाएगा आर माइनस जे, और इसको अब मैं क्या लिख दूंगा, वन अपॉन ओमेगा सी, बिकॉज एक्ससी इज वन अपॉन ओमेगा सी माइनस एक्सएल, यानी माइनस का ओमेगा एल. तो टोटल इंपीडेंस हो गया हमारा आर माइनस जे वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल. अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, जेड एंगल माइनस फाई. जेड एंगल माइनस फाई क्यों लिखूंगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, करंट लीड करती है यानी वोल्टेज लैग करता है. तो इंपीडेंस में मैं क्या लिखूंगा, जेड एंगल माइनस फाई ठीक. तो टोटल जो हमारा वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज वी कौन सा था, ये आरएमएस वोल्टेज, इसको मैं वी बोलूं या वी आर एम एस बोलूं एक ही बात है. तो वो वोल्टेज क्या बनेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर. तो यहां पे क्या डिफरेंस हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये वीसी और यहां पे इस वीसी की जगह क्या आ जाएगा, वीएल सेकंड केस में. तो दिस वोल्टेज विल बी वी आर एम एस इज वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर. अब वी आर तो वो का वही रहेगा, आई आर एम एस इंटू आर, तो आई आर एम एस इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस वीसी क्या बन जाएगा, अब यहां पर ये एक्ससी हो जाएगा और यहां पे जो है ये एक्ससी की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा, बिकॉज इट इज वीसी एंड इट इज वीएल. तो यहां पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, वीआरएमएस इज इक्वल टू आईआरएमएस बाहर लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यहां एक्ससी आ जाएगा और यहां पर आपका एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा. तो आईआरएमएस इससे क्या बनेगा, वीआरएमएस अपॉन जेड, वीआरएमएस अपॉन जेड बनेगा. तो टोटल इंपीडेंस हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर.
तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर केस वन हो गया जिसमें कि मैंने बोला था VL इज ग्रेटर देन VC, तो सेकंड वाले के केस में मैं क्या कर रहा हूं, केवल टर्मिनोलॉजी को चेंज कर रहा हूं और वहां पे ध्यान क्या रख रहा हूं कि कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यही आपके एग्जाम में जो है दिमाग में अपने को रहना चाहिए कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग द सेकंड केस वी आर सीइंग दैट द कैपेसिटिव इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू द इंडक्टिव कंपोनेंट। तो हमारा टोटल इंपीडेंस आ गया। इसके बाद हमने क्या बात की थी, इसके बाद हमने बात करी थी टेन फाई की, टेन फाई की बात करी थी। तो वहां के केस में क्या था, टेन फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। अब क्योंकि यहां पे फाई एंगल नीचे आ गया तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे इसको, दिस विल बी टेन ऑफ माइनस फाई, टेन ऑफ माइनस फाई, क्योंकि ये पहले फाई इस डायरेक्शन में था, अब क्या हो रहा है लैग करता हुआ एंगल है, तो टेन ऑफ माइनस फाई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी एल। डिफरेंस क्या आ जाएगा, पहले वी एल माइनस वी सी था, वी सी माइनस वी एल हो जाएगा, तो दिस विल बी वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर, और इट कैन बी रिटर्न एज आई आर एम एस इंटू एक्स सी माइनस आई आर एम एक्स इंटू एक्स एल अपॉन आई आर एम एस इंटू आर। तो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। तो इससे क्या आ जाएगा, फाइ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये टेन माइनस फाइव है, तो फाइव को अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फाइ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। तो इससे हमारी फाइव की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ, फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल। तो हर जगह मैं क्या कर रहा हूं, बार 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 फिर आपको बोल रहा हूं कि वी हैव टू रिमेंबर दैट कैपेसिटिव इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। देन हमने फाई दे दिया, इसके बाद हमने क्या किया था, वी हैव डिफाइंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट एंड देन इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखिए वही चीज होगी, इस केस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी बनेगा। तो अगर वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था तो करंट हमारी होगी V बाय जेड, वी बाय जेड मीन्स वी एम एंगल जीरो, और इम्पिडेंस जेड को हमने क्या लिखा था, जेड एंगल माइनस फाइव। तो जेड एंगल माइनस फाइव अगर हमने लिखा तो जेड एंगल माइनस फाइव, तो ये क्या बन जाएगा, वी एम अपॉन जेड, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस फाइव जो है वो क्या बन जाएगा, प्लस फाइव बन जाएगा, तो दिस विल बी प्लस फाइव, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आई एम एंगल फाइव, आई एम एंगल फाइव, यानी यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर ये आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, तो अगर ये वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या आ गई, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी नेट प्योर अगर कैपेसिटर होता है तो मैंने आपको बताया है करंट 90 डिग्री से लीड करती है, पर क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर के साथ में इंडक्टेंस भी है तो करंट 90 डिग्री से लीड ना करके अगर वोल्टेज साइन ओमेगा टी था तो करंट क्या आया, ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी करंट जो है फाइव डिग्री से लीड कर रही है, और वो फाइव की वैल्यू कितनी होगी, जीरो से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कुल मिला के करंट क्या हुई, फाइव डिग्री से लीड कर रही है। तो अगर ये करंट का एक्सप्रेशन हुआ तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या बन जाएगी इस केस में, V इंटू आई, यानी वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, माइनस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आ जाएगा, तो दिस बिकम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो टू से वही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वी एम आई एम बाय टू तो बन जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और टू टू साइन ए साइन बी, तो उसका जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस की जगह यहाँ पे, सॉरी मैंने कहा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइव हो गया तो जब ये प्लस होगा तो ये आपका बनेगा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दिस बिकम कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपकी बन गई क्या चीज, इंस्टेंटेनियस पावर। जब एवरेज पावर की कैलकुलेशन करेंगे तो वो सेम यही होगा, वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई, पी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू उसमें ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एवरेज पावर क्या निकल के आएगी, यही निकल के आएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो एवरेज पावर इज सेम, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इनटू कॉस फाई इन द केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट वेयर वी हैव कंसीडर्ड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देन टोटल पावर हमारी क्या निकल के आएगी, देखिए वी आर एम एस इनटू आई आर एम एस ये सेम ही रहेगा, ये आई आर एम एस को ये क्या, ये लिखा वी आर एम एस। अब वी आर एम एस जो वोल्टेज है वो वी आर एम एस वोल्टेज क्या लिखा था, पहले ये वाला वोल्टेज लिखा था, अब क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे
इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पे वी एल की जगह वीसी हो जाएगा और वीसी की जगह वी एल हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा हो गया तो यहाँ पे क्या फर्क आ जाएगा, वी आर एम एस को लिख दिया वी आर, तो वी आर तो यही रहेगा वी आई आर एम एस इंटू आर, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस जे वी सी, वी सी यानी यहाँ पे आ जाएगा एक्स सी और यहाँ पे आ जाएगा एक्स एल। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा इसमें, आई आर एम एस को वापस कॉमन ले लेंगे तो आई आर एम एस स्क्वायर, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये वाला जो रिएक्टेंस है एक्स सी और ये वाला जो रिएक्टेंस है वो एक्स एल। ठीक, तो हमारी टोटल पावर क्या हो जाएगी, आई आर एम एस स्क्वायर आर माइनस ऑफ जे आई आर एम एस स्क्वायर एक्स सी प्लस जे आई आर एम एस स्क्वायर एक्स एल। तो ये कुल मिला के क्या बनेगी, माइनस ऑफ, यहां क्या फर्क पड़ जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा हमारा क्यू सी और ये हो जाएगा माइनस का क्यू एल। तो टोटल पावर विल बी एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू सी माइनस क्यू एल। तो हमारी टोटल पावर आ गई थी पी माइनस जे क्यू सी माइनस क्यू एल। तो इससे टोटल पावर हमने बोला एस इक्वल टू वी आई या आई स्क्वायर जेड। तो इसकी यूनिट तो क्या होती थी, वी ए या के वी ए, वोल्ट एम्पियर्स या किलो वोल्ट एम्पियर्स। P जो है P क्या बनेगा, VI cos phi या IRMS square into R, इसकी यूनिट क्या होती थी, वॉट्स या किलो वॉट्स। और Q जो बनेगा वो क्या बनेगा, VI sin phi या VRMS IRMS square into X, और X क्या बनेगा यहाँ पे XC minus XL, और इसकी जो यूनिट जो बनेगी वो क्या बनती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और इससे हमने पावर ट्राइंगल की जैसे पहले बात करी थी फर्स्ट केस में, ऐसे ही सेकंड केस में अगर पावर ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये तो पी हो गया। ठीक, अब क्या होगा, क्यूसी वाला इंपैक्ट ज्यादा है, तो देखिए क्यूसी वाला अगर इंपैक्ट ज्यादा है तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं इसको, और क्यूसी वाला इंपैक्ट अगर ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा कि क्यूसी ज्यादा बनाऊंगा, दिस विल बी क्यूसी, और क्यूएल की वैल्यू जो है वो कम बनेगी। तो क्यूएल अगर कम होगा तो क्या होगा, ये मैंने बनाया सपोज क्यूएल, तो नेट अब पावर क्या बनेगी, नेट पावर जो है ये पी तो सेम ही रहेगा हमारा, तो नेट हमारा यहाँ पे बन जाएगा दिस विल बी क्यू सी माइनस क्यू एल, क्योंकि क्यू सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्यू एल, तो नेट क्या आ जाएगा आप क्यू सी माइनस क्यू एल। तो इससे अगर अपनी जो टोटल यहाँ पे जो एस बनेगा दिस विल बी एस और ये अपना एंगल बनेगा फाई। ठीक, तो अब एस क्या बनेगा, इससे एस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, सॉरी अंडर रूट ऑफ आर नहीं, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू सी माइनस क्यू एल स्क्वायर। तो दिस विल बी द टोटल पावर एज पर पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू सी माइनस क्यू एल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पावर ट्राइंगल व्हेन के सेकंड, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो हमारी टोटल पावर ऐसी हो गई। ठीक, जो वोल्टेज ट्राइंगल था वो हम बात कर ही चुके थे, ये वोल्टेज ट्राइंगल हो गया, ये पावर ट्राइंगल हो गया। इंपीडेंस ट्राइंगल की बात करें तो इंपीडेंस में क्या हो जाएगा, आर प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आर माइनस जे XC माइनस XL बन जाएगा, XC माइनस XL। तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा कि XC अगर ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा इसमें कि यहां से इसको रब कर रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, XC ज्यादा है तो XC को मैंने ज्यादा बना दिया XC, और XL क्या है, कम है, तो XL अगर कम है तो ये XL बनाया, तो नेट आपका क्या बनेगा, XC माइनस XL। तो टोटल इंपीडेंस जो आपका बनेगा दिस विल बी R, टोटल इंपीडेंस जो बनेगा Z, ये एंगल फाई है, तो ये बना आपका XC माइनस XL। तो इससे जो टोटल इंपीडेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड कहाँ है, क्या लिखा मैंने, देखिए क्या लिखेंगे इससे, Z आपका क्या बनेगा इससे, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर बन जाएगा, दिस विल बी XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो ये आपका जो Z है ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। और अगर ये फाई है तो मैं अगर इससे जो अगर ये एंगल फाई है, ठीक, तो जैसे मैंने पहले कैलकुलेशन किया था कॉस फाई क्या होता था, आर बाई जेड, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आर बाई जेड या ये पी बाई एस या ये वी आर अपॉन वी आर एम एस। तो सिमिलरली हम कैलकुलेशन में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए केस थर्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, केस थर्ड में क्या है, वी सी इज इक्वल टू वी एल। वी सी इक्वल टू वी एल का क्या मतलब हुआ, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो देखिए थर्ड केस में ये तो बहुत ही सिंपल निकल के आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, वी आर कंसिडरिंग केस थ्री, केस थर्ड में हम क्या बोल रहे हैं, वी सी जो है वो वी एल के बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल।
यानी हमारा क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू XL। अगर XC इक्वल टू XL हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल करूंगा, VC और इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो VL। तो ये हमारा ये डायग्राम बना, तो हमारा नेट क्या बन जाएगा, VL माइनस VC ये कुछ नहीं आएगा और फाइनली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा IRMS और यही VR और यही हमारा जो है VL और VL के बराबर यही का यही VC। तो नेट क्या बनेगा, VL माइनस VC जीरो, यानी रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, VR ही रहेगा हमारे पास। सिमिलरली नेट रिएक्टेंस हमारा क्या था, XC माइनस XL। अब इस केस में क्या चीज है, XC इक्वल टू XL हो गया। अगर XC इक्वल टू XL हो गया तो टोटल इंपीडेंस हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, ये क्या हो जाएगा, XC माइनस XL विल बी इक्वल टू जीरो। Why zero? Because XL is equal to XC. तो टोटल इंपीडेंस हमारा क्या रह जाएगा, केवल Z ही रह जाएगा। अगर टोटल इंपीडेंस Z ही रह जाएगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Z इक्वल टू R को क्या लिखूंगा, Z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंगल ऑफ जीरो डिग्री। तो कोई एंगल होगा ही नहीं क्योंकि केवल रेजिस्टेंस ही बचा। तो टोटल VRMS हमारा क्या बच जाएगा, VC माइनस VL, और VC माइनस VL क्या है, VC इज इक्वल टू VL है। तो VC इक्वल टू अगर VL होगा तो मैं क्या बोलूंगा, VRMS यहां पे किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा मैं इसको रब कर देता हूं और मैं यहां पे क्या लिख देता हूं कि VRMS इक्वल टू VR। Why VRMS इक्वल टू VR इन दिस केस, बिकॉज VC इज इक्वल टू VL। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज थर्ड केस में मैं क्या बोल रहा हूं, VC इज इक्वल टू VL। इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, देन टोटल RMS वोल्टेज इक्वल टू VR। तो अगर ऐसा बनेगा तो टोटल हमारा इंपीडेंस क्या बनेगा, यहाँ पे Z इक्वल टू क्या बनेगा, केवल R ही रह जाएगा। और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Z एंगल जीरो डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं पावर फैक्टर ये फाई की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेन फाई इज इक्वल टू VC माइनस VL या VL माइनस VC। दोनों ही केस में क्या है, वोल्टेज जीरो बनेगा दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फाइनली फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। Then phi is equal to tan inverse of zero, यानी कितना बनेगा, zero degree। तो क्योंकि हमें पता है कि प्योर रजिस्टर का केस हो गया, ये क्या हो गया, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो केवल रजिस्टेंस ही सर्किट में, तो हमारा जो पावर फैक्टर हो गया वो जीरो हो गया। अगर ये ऐसा काम हो गया तो अगर वोल्टेज हमारा Vm sin omega t है, करंट को हम क्या लिखेंगे, Z एंगल जीरो, Z एंगल जीरो लिखेंगे तो यहां पर भी एंगल क्या आ जाएगा, जीरो। अगर यहां पर भी एंगल जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, आई एम एंगल जीरो, यानी यहां पे भी क्या बन जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। तो सिंपल रेजिस्टेंस वाला केस हो गया, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या बन जाएगी, करंट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो इससे इंस्टेंटेनियस पावर हमारी क्या बन जाएगी, यहां पे ये क्या बन जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा, प्लस माइनस फाइव वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी वी इंटू आई, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर में ये क्या बन गया, वीएम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी। और ये केस हम जब एसी थ्रू प्योर रजिस्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी तरह से जब हम इसके कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो यहां पर आ जाएगा वीआरएमएस आईआरएमएस माइनस वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी, एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड when we have discussed AC through pure resistor, the same case is there because total impedance is XL minus XC, क्या हो गया यहाँ पे, zero हो गया है। अब जब average power की calculation करेंगे तो formula वही रहेगा, 1 upon 2 pi integration of 0 to 2 pi P d omega t, जहाँ पे P की value वही ये रखेंगे तो जो calculation निकल के आएगी है ना, वो यही आएगी VRMS IRMS cos phi की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्यों हो जाएगा, because phi कितना है, 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो अपनी एवरेज पावर क्या आ जाती है प्योर रजिस्टर के केस में, वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस। सिमिलरली अगर टोटल पावर की बात करेंगे तो टोटल पावर यहां पे क्या हो जाएगा, इस केस में क्या है, अगर ये दोनों ये माइनस सेम हो गया, एक्ससी माइनस एक्सएल, तो केवल यहां पे क्या आ जाएगा, ये चीज सारी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी और ये आपकी चीज जीरो हो जाएगी। तो हमारी केवल पावर क्या बची, टोटल एस इज इक्वल टू एक्ससी माइनस एक्सएल है, ये चीज अगर जीरो हो गई तो एस इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर या एक्टिव पावर के बराबर ही हो गई। तो अगर मैं इससे तीनों ट्राइंगल बनाऊंगा तो देखिए, तीनों ट्राइंगल अगर अपन बनाएंगे, वोल्टेज ट्राइंगल तो ये बन गया था, ये वी आर, ये वी एल और ये वी सी, तो नेट आपका वी एल माइनस वी सी क्या बनेगा, जीरो। सिमिलरली अगर इंपिडेंस की बात करें तो इंपिडेंस की बात करें तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। और इंपिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि इंपिडेंस क्या होता है, Z इज इक्वल टू यहां लिखा हुआ है R माइनस J XC माइनस XL, और इस केस में क्या हो गया, ये जीरो हो गया।
तो जीरो हो गया तो क्या बनेगा, ये तो हो गया आर, ये आपका बनता है एक्सएल और ये आपका बनता है एक्ससी, तो टोटल एक्ससी माइनस एक्सएल तो जीरो हो गया, एक्सएल एक्ससी माइनस एक्सएल, तो टोटल इंपीडेंस क्या बचेगा, केवल आर ही बचेगा, तो ये हो गया आपका इंपीडेंस डायग्राम। सिमिलरली पावर डायग्राम की बात करें तो ये पी क्यू एल जो है ये क्यू एल और इसी के बराबर क्यू सी, तो नेट आप क्या क्यू एल माइनस क्यू सी बोलूं या क्यू सी माइनस क्यू एल बोलूं, जीरो ही बनेगा, तो टोटल पावर क्या बच जाएगी पी, और वही हमने देखी थी कि टोटल पावर एस इक्वल टू क्या रहा, एस इक्वल टू पी के बराबर है, बिकॉज क्यू एल जो है वो क्यू सी के बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल थ्री केसेज इन वेरी डिटेल। दैट वॉज केस फर्स्ट वॉज द वेन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इन सेकंड केस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वॉज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एंड थर्ड केस वेन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो अब हम जो है आगे वाले आने वाले सेक्शन में आने वाले टाइम में इनके बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कोई भी कंडीशन जब चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में क्या डिफरेंस आ जाता है, वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल। तो देखिए सीरीज आरएलसी सर्किट का ये न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं। इन द सर्किट गिवन बिलो, जो सर्किट दिया हुआ है उसमें क्या है, आर एल और सी तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और हमसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द टोटल इंपीडेंस, करंट, फेज एंगल एंड वोल्टेज। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टोटल इंपीडेंस से। टोटल इंपीडेंस हमने अभी देखा कि सीरीज आरएलसी सर्किट में टोटल इंपीडेंस जेड क्या होगा, जेड विल बी इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। डिपेंड करेगा कि एक्सएल माइनस एक्ससी है या एक्ससी माइनस एक्सएल है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, अब अगर जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी है तो आर की वैल्यू हमें पता है 10 ओम है, तो आर आपका 10 ओम हो गया। एक्सएल क्या होगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इंटू एल, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50, 2 पाई एफ तो हो गया 50 और एल कितना गिवन है 0.5, तो एक्सएल हमारा हो गया 2 पाई एफ एल या 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.5, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 157 ओम, तो ये हो गया हमारा एक्सएल। सिमिलरली अगर एक्ससी सॉल्व करूंगा तो एक्ससी क्या आ जाएगा 1/ωc, 1/ωc का मतलब 1/2πf(c), 1/2πfc का मतलब क्या हो जाएगा 1/2π, f की जगह 50 और c यानी वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कितने का गिवन है 10 माइक्रोफेरेड का, यानी 10 × 10⁻⁶। तो अगर मैं इस एक्ससी के लिए सॉल्व करूंगा तो एक्ससी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, दिस विल बी 318.5 ओम, दिस विल बी 318.5 ओम। तो मेरे पास R की वैल्यू आ गई, XL आ गया, XC आ गया, तो टोटल इंपीडेंस जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वैल्यू रखनी रह गई बस, Z इज इक्वल टू क्या रह गया, R इक्वल टू 10 प्लस J, XL की वैल्यू कितनी आई 157, तो दिस विल बी 157 माइनस ऑफ XC यानी माइनस ऑफ 138.5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो Z की वैल्यू आ जाएगी, Z विल बी इक्वल टू 10 माइनस जे 161.5 ओम। तो इससे ये क्लियरिटी आ गई कि दिख रहा है इसमें कि एक्सएल की वैल्यू कम है और एक्ससी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कैपेसिटिव इंपैक्ट ज्यादा है, ठीक। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और अगर टोटल इंपीडेंस की बात करूं तो ये तो हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो दिस जेड कैन बी रिटर्न एज जेड इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो आ जाएगा कितना होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 10 स्क्वायर प्लस 161.5 होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Z का मैग्नीट्यूड जो है वो निकल के आ जाएगा 161.8 ओम, तो ये हमारा आ जाएगा 161.8 ओम, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और अगर मैं एंगल की बात करूं तो जो फाई है, जो इसका फाई निकल के आएगा, ठीक, वो क्या निकल के आएगा 10 इनवर्स माइनस ऑफ 161.5 डिवाइडेड बाय 10, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इससे फाई की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट फाई विल बी इक्वल टू माइनस का 86.45, माइनस का 86.45। तो जो इंपीडेंस है पोलर फॉर्म में मैं उसको क्या लिख दूंगा, Z इज इक्वल टू 161.8 एंगल ऑफ माइनस 86.45, तो दिस विल बी इंपीडेंस इन पोलर फॉर्म, ठीक। और इंपीडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 10 माइनस जे 161.5। तो हमारा टोटल इंपीडेंस आ गया, पहला पार्ट हमारा हो गया,
दिस इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज इन पोलर फॉर्म. फेज एंगल फाई, फेज एंगल फाई भी हमने निकाल लिया, वो क्या हो गया -86.45 डिग्री. तो वी हैव कैलकुलेटेड इंपीडेंस, वी हैव कैलकुलेटेड इंपीडेंस इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म लाइक दिस, एंड दिस इज द आंसर इन पोलर फॉर्म. देन वी हैव कैलकुलेटेड फेज एंगल दैट इज -86.45. नाउ वी हैव कैलकुलेटेड करंट. तो करंट क्या होता है, आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय जेड. वी बाय जेड मीन्स वोल्टेज अपने को कितना गिवन है, 50 वोल्ट. यानी ये क्या हो गया 50 एंगल 0. तो V तो हो गया 50 एंगल 0. एंड इंपीडेंस, इंपीडेंस इज वी हैव कैलकुलेटेड 161.8 एंड एंगल इज -86.45. एंगल इज माइनस का 86.45. तो ऊपर एंगल 0 है और नीचे एंगल -86.45 है. तो जब ये ऊपर जाएगा तो एंगल तो आपका बन जाएगा प्लस का 86.45 डिग्री. दिस विल बी द एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 50 अपॉन 161.8. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 50 अपॉन 161.8 बिकम्स 0.3. तो द करंट विल बी 0.3 एंगल 86.45. दिस विल बी अवर थर्ड पार्ट दैट इज करंट इन द सर्किट. ठीक, तो ये करंट आई का आंसर ये हो गया दैट इज 0.3 एंगल 86.45. एंड देन लास्ट पार्ट है वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट. वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. तो देखिए VR, VR वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वो क्या हो जाएगा, I इंटू R. I की वैल्यू कितनी है 0.3 एंगल 86.45. ये तो हो गया I. और R कितना है 10 एंगल 0. तो VR क्या हो जाएगा, एंगल तो जो है ये दोनों जुड़ जाते हैं सीधे सीधे, तो एंगल तो आपका 86.45 ही होएगा. और करंट ये जो मैग्नीट्यूड है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये क्या बनेगा 3. तो VR is 3 एंगल 86.45. तो ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, VL क्या बनेगा I इंटू XL. तो I की वैल्यू तो ये सेम ही रहेगी 0.3 एंगल 86.45. और XL की वैल्यू कितनी है, XL हमने कैलकुलेट किया था 157. तो ये क्या बनेगा 157 और एंगल 90 डिग्री. 157 और एंगल 90 डिग्री. तो एंगल इसमें क्या हो जाएगा, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे और ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड तो बन जाएगा, VL तो बन जाएगा आपका ये 47.1. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस बिकम्स 47.1. और एंगल दिस प्लस दिस 90 प्लस 86.45. तो ये आपका बन जाएगा 176.45. तो दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. देन लास्ट रह जाएगा हमारा क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. तो देखिए वो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, VC दैट विल बी इक्वल टू I इंटू XC. I की वैल्यू क्या है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.3 एंगल इज 86.45. और XC हमने क्या कैलकुलेट किया था 318.5. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 318.5 और एंगल क्या होता है इसमें -90 डिग्री. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ 0.3 × 318.5, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 95.5 और एंगल जो है ये बनेगा -3.55 डिग्री. सो इन दिस मैनर वी हैव कैलकुलेटेड द इंपीडेंस विच वॉज रेक्टेंगुलर फॉर्म दिस, पोलर फॉर्म दिस, फेज एंगल फाई वी हैव कैलकुलेटेड -86.45, देन करंट आई दिस वी हैव कैलकुलेटेड लाइक दिस, देन वी हैव कैलकुलेटेड VR दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, and then in last voltage across capacitor. तो देखिए ये क्या क्वेश्चन है, एक कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. कितना रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम. तो ये रेजिस्टेंस बनाया मैंने 5 ओम का. एक कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड ए इंडक्टेंस ऑफ 1 अपॉन पाई हेनरी. इंडक्टेंस अपने को गिवन है 1 अपॉन पाई हेनरी. इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर ऑफ 100 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड. और ये क्या चीज के साथ में कनेक्टेड है, 100 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड का जो है वो कैपेसिटर है. ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स. तो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है हमारा दैट इज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज. तो देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एक कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम का रेजिस्टेंस है एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 1 अपॉन पाई हेनरी. इंडक्टेंस जो है वो 1 अपॉन पाई हेनरी का है. इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर ऑफ 100 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड.
ये दोनों जो है सीरीज के साथ में कैपेसिटर के साथ में कनेक्टेड है, मींस ऑल थ्री आर इन सीरीज एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 100 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दैट इज साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस ए सर्किट। तो हमने इसके आरएलसी सर्किट के पैरेलल में क्या लगाया, सॉरी पैरेलल में नहीं, सीरीज में हमने क्या लगाया, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का वोल्टेज सोर्स लगा दिया। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एक एक करके देखते हैं, फाइंड द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इंपीडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है और एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सी एंड एक्सएल। तो देखिए आर तो अपने को सीधा सीधा गिवन है 5 ओम, तो आर तो अपने पास इसमें आ जाएगा 5 ओम। एक्सएल क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, एक्सएल क्या होगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इंटू एल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, एफ कितना गिवन है देखिए 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस कितना गिवन है अपने को 1 अपॉन पाई, तो 1 अपॉन पाई, तो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 50 इंटू 1, यानी एक्सएल विल बी इक्वल टू 100 ओम। तो एक्सएल अपने पास कितना आ गया 100 ओम आ गया, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 100 ओम। तो आर अपन को पता था 5 ओम सीधे सीधे, एक्सएल वी हैव कैलकुलेटेड 100, नेक्स्ट क्या रहेगा एक्सी, तो एक्सी हमको पता है क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और 1 अपॉन ओमेगा सी का मतलब 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 1 अपॉन 2 पाई एफ की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन पाई, तो 100 तो इधर हो जाएगा 100 अपॉन पाई, तो दिस विल 100 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड है, यानी 10^-6 आएगा यहां पे। तो ये बनेगा आपका एक्सी विल बी इक्वल टू पाई इंटू 10^6 अपॉन 2 पाई 50 इंटू 100। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 इंटू 50 ये बनेगा 100, और 100 इंटू 100 10^4, तो 10^6 अपॉन 10^4 ये क्या बना 10^6 अपॉन 10^4, यानी कितना बनेगा ये भी 100। तो आपका एक्सी भी 100 आ गया और एक्सएल भी कितना आया था 100, यानी ये सीरीज आरएलसी सर्किट का कौन सा केस हुआ, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपका जेड हमारा जो क्वेश्चन था, फाइंड द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, एक्सएल अगर एक्सी के बराबर आ गया, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड एक्सएल इज 100, एक्सी इज ऑल्सो 100, तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा 0, तो टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट आपका क्या निकल के आ जाएगा, जेड इक्वल टू आर ही रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 ओम। दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर ये आ गया सीधा सीधा, तो नेक्स्ट क्या है देखिए, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स, करंट कितनी फ्लो हो रही है देखिए, ये करंट जो आएगी इस वोल्टेज सोर्स से, जो करंट आएगी सेकंड पार्ट, दैट इज फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स, तो करंट कितनी आएगी इस 200 वोल्ट से, करंट आई क्या बनेगा, I इज इक्वल टू वी बाय जेड, तो वी बाय जेड का मतलब कितना बनेगा 200 तो वोल्टेज है और जेड कितना आया 5, यानी कितना करंट आया 40 एम्पियर, 200 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 40 एम्पियर। देन थर्ड पार्ट है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी कंपोनेंट। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस आर क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, आई की वैल्यू कितनी निकाली 40, और आर की वैल्यू कितनी निकाली 5, तो ये क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी वी आर इज विल बी इक्वल टू 200 वोल्ट्स, सिंपल। देन वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या बनेगा आई इंटू एक्सएल, और आई की वैल्यू कितनी है 40, और एक्सएल की वैल्यू कितनी निकाली थी, एक्सएल इज इक्वल टू 100, तो 40 इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा 4000 वोल्ट्स। सिमिलरली वीसी, वीसी क्या बनेगा आई इंटू एक्सी, आई की वैल्यू 40 और एक्सी की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्सी विल बी इक्वल टू 100, तो 40 इंटू 100 अगेन कितना आ जाएगा 4000 वोल्ट्स, तो ये भी आपका कितना आ गया 4000 वोल्ट्स या 4000 वोल्ट। तो वी हैव कैलकुलेटेड द वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी कंपोनेंट, दैट इज वी आर इज 200, वी एल इज 4000 एंड वी सी इज 4000, एंड देन लास्ट पार्ट इज ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो दिस इज द केस, then we have to draw the phasor diagram when XL equal to XC, because again I am saying again and again that is XL is 100 and XC is also 100. So how is phasor diagram like that? That is VR will be equal to, that is 200 volt, then VL it is 4000 volt, and then VC equal, absolutely equal, this is 4000 volt. So
So this will be the phasor diagram for this particular numerical. That is, it is 200, it is 4000, it is 4000, such that total resultant of this will 0. Means केवल और केवल क्या रहेगा सर्किट में, रेजिस्टेंस इफेक्ट रहेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 5 ओम वाली रेजिस्टेंस वाला वैल्यू ही रहेगी। तो देखिए क्या न्यूमेरिकल है, ए प्योर इंडक्टर एल, ए नॉन इंडक्टिव रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और आर और सी, प्योर इंडक्टर विथ नॉन इंडक्टिव रजिस्टर, नॉन इंडक्टिव रजिस्टर यानी प्योर रजिस्टर की बात हो गई, एंड कैपेसिटर, और कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन बिलो, ये कनेक्टेड है तो ये तो प्योर इंडक्टर हो गया और ये नॉन लीनियर रजिस्टर इन सीरीज विथ कैपेसिटर हो गया। What we have to do, we have to calculate the value of resistance, inductance and capacitance. हमें R, L और C की value find out करनी है। तो देखिए क्या given क्या है अपने को, हमें given है VL, voltage given है 40 volts, voltage across inductor. VRC हमको given है 85 volts और total applied voltage given है हमें 85 volts. तो देखिए total voltage जो V होता है वो क्या होता है, total voltage V is equal to VR square plus VL minus VC का whole square. इट मे बी वी एल माइनस वी सी और इट मे बी वी सी माइनस वी एल, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा कि वी एल ज्यादा है या वी सी ज्यादा है। तो हमें ये क्या गिवन है, टोटल 85, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई 85 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये मैंने पहली इक्वेशन बना दी, दैट इज टोटल वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। फिर हमें दूसरा क्या गिवन है, यही 85 हमें गिवन है RC के अक्रॉस वोल्टेज, तो RC के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 85 इज इक्वल टू VR प्लस VC स्क्वायर, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन, क्योंकि VRC क्या होता है, VRC विल बी इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट इज आल्सो गिवन एज 85। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो गया, दोनों अगर ये 85 है तो दैट मींस दीज बोथ आर सेम, तो अगर सेम है तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैथमेटिक्स से सिंपल, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 85। तो मैंने क्या किया, देखिए वी आर स्क्वायर से वी आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो इससे क्या आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू वी सी, यानी हमारा क्या आ गया, वी सी जो है ना 2 वी सी इज इक्वल टू वी एल, और तो वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल बाय 2, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आपको गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना गिवन है, 40 वोल्ट्स, तो वीसी कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये क्या बन गया, 20 वोल्ट्स, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया हमारा 20 वोल्ट, वीएल हमें गिवन था, तो इससे वीआर क्या बन जाएगा, देखिए वीआर कहां से निकाल लेंगे, इस सेकंड इक्वेशन से निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 85 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीआर स्क्वायर पता नहीं, और वीसी की वैल्यू 20 का होल स्क्वायर, तो इससे हमारे पास अगर मैं VR को कैलकुलेट करूंगा, तो VR को अगर मैं इससे इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा, तो VR बिकम्स 82.61 वोल्ट, VR हमारा कितना बन जाएगा, 82.61 वोल्ट, सिंपल कैलकुलेशन है, 85 इज इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस 20 होल स्क्वायर, इसको अगर मैं VR के लिए सॉल्व करूंगा तो दिस बिकम्स 82.61 वोल्ट। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया VR इक्वल टू 82.61। तो अब हमें क्या निकालना है, R, L और C की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम R की वैल्यू निकालते हैं, तो R की वैल्यू के लिए क्या निकलेगा, देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, VR जो है वो अपने ने निकाला 82.61 वोल्ट्स, ठीक, तो R क्या बनेगा, R बनेगा VR अपॉन I, R क्या बनेगा VR अपॉन I, और I अपने को यहां पे गिवन है 5 एंपियर करंट, यहां पे गिवन है सर्किट में I इज इक्वल टू 5 एंपियर करंट, तो हमारा R क्या बन जाएगा, 62.61 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 82.61 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा 16.52 ओम। तो ये हमारा बन गया द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब पहला हमारा पार्ट आ गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी आई, 16.52 ओम। सिमिलरली XL, XL क्या बनेगा, XL विल बी इक्वल टू VL अपॉन I, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन I, और वोल्टेज अपॉन इंडक्टर यहां पे कितना है 40, तो ये हो गया 40 अपॉन I की वैल्यू कितनी है 5, तो यानी यहां से XL कितना आया, XL आ गया 8 ओम, और XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर, यानी 2 इंटू पाई इंटू F, F कितना गिवन है 50, 50 इंटू L, L मुझे पता नहीं, तो 2 पाई F, L इज इक्वल टू 8 XL, तो इससे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन
2π × 50, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो L की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25.4 मिली हेनरी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, रेजिस्टेंस के बाद वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। सिमिलरली फिर क्या आएगा, XC क्या हो जाएगा, XC विल बी इक्वल टू VC/I, और VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना था, वी हैव कैलकुलेटेड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 20 वोल्ट, तो VC कितना है 20 डिवाइडेड बाय करंट, करंट कितनी निकाल दी हुई अपने को 5 एम्पियर, तो 20/5 मींस 4 ओम। यानी यहां पे ये कौन सा वाला केस बना, XL की वैल्यू ज्यादा है 8 ओम एज कंपेयर टू XC दैट इज 4 ओम। तो अब इससे क्या निकलेगा, XC क्या होता है 1/ωC इज इक्वल टू क्या निकला 4, तो मैं ऐसे C की वैल्यू कैसे निकालूंगा 1/2πf(50)×C की वैल्यू हमें नहीं पता इज इक्वल टू 4, तो इससे C की वैल्यू क्या बनेगी, C की वैल्यू बनेगी 1/2π(50)×4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 796.17 माइक्रोफेरेड। तो ये आपका बन गया द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर विच कैन बी गिवन एज 796.17। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 16.52, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड L इज 25.4 मिली हेनरी, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज 796.17 माइक्रोफेरेड। सेकेंड क्या है हमारा, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो देखिए पावर फैक्टर कैसे निकलता है, पावर फैक्टर का मतलब फाई, तो फाई के लिए मैं क्या करूंगा, Z इज इक्वल टू R plus j XL minus XC। क्यों किया, बिकॉज XL की वैल्यू 8 ओम है और XC की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो Z इक्वल टू R, R की वैल्यू कितनी निकाली 16.52 प्लस J 8 माइनस 4 दैट कैन बी रिटर्न एट 16.42 प्लस 4J। तो अगर मैं इस इंपीडेंस को सॉल्व करता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 अपॉन 16.52। तो इससे अगर मैं फाई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो दिस फाई विल बी 13.627। और पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई मींस कॉस ऑफ 13.627 डिग्री। तो 13.627 का अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो इट विल बी 0.7, और 0.7 इस केस में क्या आएगा, लैगिंग क्यों आएगा, बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम था और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 4 ओम था, तो XL वाली चीज ज्यादा है, अगर XL वाली चीज ज्यादा है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो करंट लैग करेगी, और करंट अगर लैग करेगी तो आपका पावर फैक्टर क्या बनता है, लैगिंग नेचर का बनता है, तो इट इज 0.7 लैगिंग। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज ए कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम का, हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ दिस मच हेनरी 0.1 हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफेरेड। मींस R, L एंड C आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वैल्यू ऑफ R इज 5 ओम, द वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज 0.1 हेनरी एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज 50 माइक्रोफेरेड। ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज इज सप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। और यहां पे क्या लगा रखा है, जो वोल्टेज हमने लगा रखा है वो कितने वोल्ट का लगा रखा है, 200 वोल्ट का हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। एट वॉच फ्रीक्वेंसी विल बी द करंट विल बी मैक्सिमम। तो हमें क्या निकालना है, देखिए कि किस फ्रीक्वेंसी पे करंट इसमें मैक्सिमम होगी। तो करंट क्या होती है, करंट इज V/Z, और Z क्या होता है इस केस में, Z इज इक्वल टू R plus J XL minus XC या XC minus XL। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, जब ये करंट जब ये टोटल इंपीडेंस में ये नेगेटिव या मैं बोलूं इमेजिनरी पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो इंपीडेंस क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो इंपीडेंस जब मिनिमम रहेगा तो करंट आपकी क्या बनेगी, मैक्सिमम रहेगी, है ना। और इसी चीज को हम, इसी कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि करंट मैक्सिमम कब होगी, व्हेन दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इंपीडेंस इज जीरो, एंड इफ इमेजिनरी पार्ट इज जीरो दैट मींस XL इक्वल टू XC मींस ωL = 1/ωC। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, ω² = 1/LC। तो इसका क्या मतलब है, ω² = 1/LC का क्या मतलब है कि ω = 1/√LC,
और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं एफ, तो वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई रूट एल सी, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट ऑफ द सर्किट विल मैक्सिमम। और इसमें क्या चीज है, आपको एल और सी की वैल्यू गिवन है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई रूट एल, एल मीन 0.1 और सी की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रोफेरेड, यानी 50 इंटू 10^-6। तो अगर मैं इससे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आएगी 71.17 हर्ट्ज। तो एट दिस फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। एंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट करंट मैक्सिमम कब होगी, जब इंपेडेंस मिनिमम होगा। जब इंपेडेंस कब मिनिमम होगा, जब ये इमेजिनरी टर्म जीरो होगी। इमेजिनरी टर्म कब जीरो होगी, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। और इसी को मैंने क्या बोला, रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं। तो इससे एफ क्या निकल के आया, 1/2 π√LC, और इसमें वैल्यूज पुट करके वी हैव कैलकुलेटेड द एट वॉट फ्रीक्वेंसी विल बी द करंट विल मैक्सिमम, दैट मीन्स दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी मैक्सिमम। देन नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट निकालना है। तो देखिए वी आर, वी आर क्या हो जाएगी, वी आर क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई इन टू आर, और आई की वैल्यू कितनी है, यहां पर आई की वैल्यू कितनी रहेगी, देखिए तो पहले आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई क्या रहेगा, यहां पर टोटल वोल्टेज इज 200 और रजिस्टेंस इज 5 ओम, तो हमारा क्या निकलेगा, 200 / 5, दैट इज 40 एम्पियर। तो अगर 40 एम्पियर हमारी क्या आ गई, करंट आ गई, ठीक। तो अगर 40 एम्पियर करंट है तो हमारे को बिल्कुल ये क्लियर है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है, वी आर इज इक्वल टू आई, दैट इज 40 × R की वैल्यू 5, यानी 200 वोल्ट। तो ये तो क्लियर ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना, ये गिवन ही था एक तरह से। अब उसके बाद क्या चीज होगी, VL, VL क्या है, VL विल बी I इंटू XL। तो VL क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 40 × XL, XL means 2πfL, तो ये कितना हो जाएगा 2π, और F, F अपने को कितना गिवन है, 2π F अपना 71.17 × L, L इंडक्टेंस दैट इज 0.1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो VL जो है वो कितना निकल के आएगा, 1789 वोल्ट। सिमिलरली VC क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज I इंटू XC, अगेन I इज 40 × XC इज 2π, F इज 71.17 × C, दैट इज कैपेसिटर कितना गिवन है, I इंटू XC, XC जो होता है 1/ωC होता है, सॉरी, तो 1/ωC का मतलब 2π F 71.17 × C 50 माइक्रोफेरेड, यानी 50 × 10^-6। तो इससे VC भी कितना आएगा, 1789 वोल्ट। ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर दैट वी हैव मेंशन दैट XL इक्वल टू XC, इफ XL इक्वल टू XC दैट मींस VL जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो VC के बराबर ही आएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें पकड़ में आ जाएगा कि VL अगर VC के बराबर नहीं आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज व्हाट वी हैव डन, दैट इज XL इक्वल टू XC, दैट मींस रेजोनेंस कंडीशन, एट दैट रेजोनेंस VL इक्वल टू VC सच दैट द वोल्टेज अक्रॉस टोटल सर्किट इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ओनली।